पिता जी मिसो सही करेगा लेकिन मुझे बोलना है, तुम ये बात बोल दोगे ना पिताजी इस पे घुस, तुम दो या ना दो, मैं बड़ा चीज नहीं बताया, हाथी घोड़ा कुछ नहीं बता रहा हूं, करोड़ों रुपए नहीं बता रहा हूं, 6000 के घड़ी की बात बता रहा हूं। दोस्तों को जगह बोल रहे हो, तू जानता है मैं मेरे पिताजी को 15 दिन के लिए 6000 का घड़ी दूंगा, दोस्त को बताया चल मेरे साथ शोरूम पे चल दो, बोले क्यों, अरे मेरे पिताजी को एक घड़ी दूंगा, अभी से देख के रख रहा हूं कौन सा घड़ी दूंगा, मैं टाइटन के शोरूम पे जाऊंगा, इस शोरूम पे जाऊंगा, उस शोरूम पे जाऊंगा, बार बार इस कर रहा हूं, जानता है मैं मेरे पिताजी को 6000 का घड़ी दूंगा। तो जो बंदा नेगेटिव है, जो स्मार्ट बिलू में एडमिशन नहीं लिया प्रोग्राम सुनने के बाद, तुम्हारा ये पागलपन देख के, जब जिस दिन तुमने पिताजी के लिए उसको ही लेके गया और 6000 रुपए का घड़ी खरीदा उसके सामने, और उसको लेके जाके उसका पिताजी को, तुम्हारा पिताजी को तुमने जब दिया, जिस बंदा को भी दिल पे लगेगा कि भाई मैं भी गलती किया, मुझे भी स्मार्ट बिलू करना है, मुझे भी मेरा पिताजी को 6000 रुपए का घड़ी देना है, और ये तभी मुमकिन है जब आप वर्बलाइजेशन करोगे। वर्बलाइज बोलना, दुनिया में वो लोग ही कामयाब बन पाया जो बोलता है, जो सपना देखता है, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, आलीशान घर बनाऊंगा, देश विदेश घूमूंगा, तू क्या सोच रहा है मेरे से उसमें फायदा नहीं है, मैं करूंगा वर्बलाइजेशन, बिकॉज 1942 में जब देश आजाद आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी जी ने बोलना शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, देश का 40 करोड़ आबादी बोलना शुरू किया 50 करोड़ आबादी, हाँ भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, और 1947 में जगह वो सपना पूरा हुआ, हमारा देश आजादी के। उन्होंने भी राम नाम जपने के लिए बोला, राम जी ने दस्यु थे डाकू थे, उसको भी
अवतार अच्छा जगह पे जाना था, तो राम जी ने बोला राम नाम जपो। वो जब भी राम बोलने के लिए कोशिश कर रहा था तब मरा मुंह से निकलना शुरू हो गया। राम बोलते थे और मरा आता था, राम बोलते थे और मरा आता था। तो राम जी ने बोला तू इतना पाप किया तुम मरा ही बोलो। वो मरा 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 बोलते 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 एक दिन उसके नाम उनके नाम से राम नाम जपना शुरू हो गया और तभी वो रामायण रचना कर लिया। इज इट क्लियर? तो भागवत नीति से ये बात, अगर आप बोलोगे नहीं तो हासिल होगा नहीं, कभी भी होगा नहीं। आपको बोलना है मैं मेरे पिताजी को 1550 को गली दे रहा हूं 6000 रुपए का। तू जानता है तुम्हारा दोस्तों सहेली हो रिश्तेदार हो हर एक इंसान को बोलना पड़ेगा मैं मेरा पति को हो मेरा बॉयफ्रेंड को हो मेरा पिताजी को हो मेरा मम्मी को हो मेरा खुद के लिए हो मैं ये चीज परचेस करने वाला हो, ये आपको बोलना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बोलोगे नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगा। आपको छोटा छोटा ड्रीम देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक समुंदर है, ये क्या है पार्वलिक समुंदर। कोई आता है चावच ले, यस मेरा मोबाइल फोन हासिल हो गया और स्मार्ट बिल करने का क्या जरूरत है, मैं 6000 रुपए में घर ही ले लिया, हो गया मेरा बिजनेस, हो गया मेरा बिजनेस और नहीं करूंगा। मतलब उसका सोच क्या है सिर्फ 6000 में घर ही खरीदना। वो जिंदगी में कभी भी 5 करोड़ का गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? उसका सोच ही तो है 6000 का गाड़ी। कोई आते हैं एक कप लेके, मैंने बाइक खरीद लिया, मैं बाइक खरीद लिया हमारा मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मैं साला में तो साहेब बन गया, मैं बाइक खरीद लिया, सनग्लास पहन के कॉलेज के सामने जाके आ गया हीरो बाइक खरीद के। सपना तो बाइक तक ही है। कुछ कुछ लोग आते हैं बाल्टी लेके, एक बार अगर फॉरेन जा पाया ना मेरा लाइफ से, मेरा पिताजी जाके बोलेगा मेरा लड़का विदेश से घूम के आया, इसलिए कोई अच्छा लड़की दो मेरे बेटे के साथ शादी दिलाने के लिए। उसका सपना एक बार विदेश जाने के लिए है। फिनिश। कुछ कुछ लोग आते हैं ड्रम लेके, मतलब कहे कैसे फोर व्हीलर खरीदूंगा, फोर व्हीलर खरीद लिया, गोरे गोरे मुखेले पे काला काला चश्मा, बोल के दरवाजा खोलता है, फोटो पोस्ट देता है, हो गया उसका सपना। और कोई आते हैं जनरेटर लगाता है, पंप लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पूरा घर ले लूंगा जितना हो सके, मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, ऑडी चाहिए, गांगो चाहिए, करोड़ों का फ्लैट चाहिए, देश विदेश घूमना है, पूरा खानदान को लेके घूमना है, और भी पैसा चाहिए, और भी पैसा चाहिए, और भी पैसा चाहिए। ये होता है ड्रीम, ये होता है ड्रीम, ये होता है लाइफ, ये होता है लाइफ। मैं मेरा एक जनरेशन नहीं आने वाला 10 जनरेशन को सिक्योरिटी देके जाऊंगा, ये होता है ड्रीम। तो ड्रीम मतलब ये नहीं है छोटा ड्रीम होता है, ड्रीम मतलब वो आपका बड़ा ड्रीम हो सकता है। आप जाके पेन पेपर में लिखो आज आपको पूरे जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहिए, उसके बाद आप सोचो ये सारा सपना पूरा करने के लिए आपके पास कौन सा रास्ता है। अगर स्मार्ट बिल के अलावा दूसरा कोई रास्ता है तो जाकर वो काम करो। अगर लगता है कि नहीं है तो स्मार्ट बिल करो, दिल से करो, मेहनत के साथ करो और कंटिन्यू करो और पूरी जिंदगी भर करो। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? ड्रीम ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ड्रीम के लिए पागल हो जाता है। एक मिनिस्टर को जाके पूछो, एक लड़का तो आज पार्टी का नारा लगाते हैं, उसका भी सपना है एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। सपना देखना बुरी बात नहीं है, आप भी सपना देखते हो, किसी के रिश्तेदार में गया जाके बोल रहे आप नहीं आते तो शादी नहीं होता, प्लीज आप आइए, बैठिए सर, खाने में कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको और कुछ चाहिए? और हम जाते हैं कोई पूछते भी नहीं है कब आया और कब चला गया। कैसे बनना है आपको, आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है। ये ड्रीम, लेकिन ये ड्रीम क्यों पूरा नहीं कर पाते जानते हैं? उसके बाद वाइटल डिसीजन प्लानिंग। अगर आपका 6000 रुपए इनकम करना है तो कम से कम 9 लोगों का टीम होना चाहिए,
900 माइल्स का सारे 4000 रुपए की चेक इशू करना चाहिए, ये 9 लोगों का टीम कौन बनाएगा? मैं या खुद? खुद। वो बाद में आ रहे हैं डिस्कशन में, बाकी पार्ट में। ये ड्रीम क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं हम लोग? क्यों कामयाब नहीं है? जानते हैं क्यों कामयाब नहीं है? मैं सच्चे दिल से एक बात बता रहा हूं, हम लोग क्यों कामयाब नहीं है? क्यों कामयाब नहीं है हम लोग? अब सपना देखना भूल गया। एक छोटे बच्चे जो है उसको पूछोगे, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? पायलट। तुम क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। पिताजी ये जो बुगेटी गाड़ियां ना, ये मैं खरीदूंगा ब्लू कलर का। मेरा बेटा बोलता है, 3 साल का बच्चा, बेटा तेरे लिए क्या लेकर आऊं? ब्लू गाड़ी, ब्लू कार। कौन सा गाड़ी? बुगेटी, जिसका कीमत है 3 करोड़। वो सपना देखता है ब्लू कलर का गाड़ी, उनके रास्ते से जेब भी जाते हैं, व्हाइट कलर का। मैं उसको लेके घूमने के लिए जाता तो मुझे पता है वो सपना देखता है। हम सपना को मार दिया। हम भी सपना देखते थे, हम भी कभी ना कभी बच्चे थे, लेकिन हम लोग का सपने को मार दिया। क्यों मार दिया? बिकॉज इस रूम के बाहर जब भी जाओगे तब नेगेटिव लोग बैठे हैं तुम्हारे नेगेटिव ढूंढने के लिए। इसका बेटी अभी यहां पर कहां मर गया, इसका बेटे कहां क्या कर रहा है, ये देखने में अच्छा नहीं है, वो देखने में अच्छी नहीं है, ये गॉसिप तुम्हारा नेगेटिव ढूंढने के लिए बैठा है। कब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होगा? कोई मिलाने के लिए नहीं आता है, झगड़ा मत कर, एक साथ रहे, वो कोई मिल करने के लिए नहीं आता है। क्या सोचते हैं करते हो? सब ठीक हो जाएगा। और घर में जाके बोलता है, क्या जानते हो, लगा घर में, चलो आज इंजॉय करते हैं, चिकन लेके आओ, मटन लेके आओ, लगा उसके घर में झगड़ा। लोग इंजॉय करते हैं आपका झगड़ा को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, टेंशन मत लो, और घर में जाके बोलते हैं, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं, तेरा गर्लफ्रेंड है, अच्छा हुआ चला गया, चला गया, अच्छा हुआ चला गया। यह समाज, मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं? लोग अपने दुख से जितना दुखी नहीं रहते हैं ना, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। आपके दुख से जितना दुखी नहीं रहता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। ये बाहर दुनिया और ये एक अंदर ग्राउंड जहां पर आपको हमेशा बताया जा रहा है, तुम अचीव कर सकते हो, तुम तुम्हारा सपना पूरा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो दम है जो तुम टॉप ऑफ द टॉप जगह हासिल कर सकते हो। लेकिन कर क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज इसलिए नहीं कर पाते हैं हम हमारा सपना को, हम डरते हैं। हम हमारा सपना देखने के लिए क्यों भूल गया? हम डरते हैं, हम डरपोक बन गया। किस चीज का डर? किस चीज का डर? फेल होने का। मैं लोगों को बोलूंगा, मैं 6000 का घड़ी खरीदूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो वो मुझे क्या बोलेगा? फेल। मैं लोगों को एडमिशन कराऊंगा, अगर वो कामयाब नहीं बन पाया तो मैं किस लिए डर रहा हूं? कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, वो उसके किस्मत में लिख के लेके आया। वो मेहनत नहीं करेगा तो अमीर नहीं बनेगा, मेहनत करेगा तो अमीर बनेगा। हम फेल होने के लिए डरते हैं। फेलियर, फेलियर ऑफ फेल। बिकॉज दोस्तों एक चीज सोचो, ये बल्ब जो डिस्कवर किया, कौन डिस्कवर किया? थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने के पहले दिन ही बल्ब डिस्कवर कर लिया, वो कम से कम 1000 बार फेल किया। लेकिन थॉमस एडिसन को जब पूछा कि आपने तो 1000 बार फेल किया, बोले फेल बोलते तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, एक है सक्सेस, दूसरे एक्सपीरियंस। फेल बोल के जिंदगी में कोई डिक्शनरी का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक होता है सक्सेस, दूसरा होता है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। बिकॉज हर फेल आपको कुछ ना कुछ सिखा के देके जाता है कि क्यों आप कामयाबी आपको नहीं मिला। थॉमस एडिसन ने बता रहा है, मैं 999 टाइम्स ट्राई किया,
कि क्या क्या करने से बाल्ब तैयार नहीं होगा। 1000 times के बाद उन्होंने बाल्ब डिस्कवर कर लिया। अगर उन्हें 200 बार करने के बाद बोलता है नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, अगर ऐसे बोलता आज हम लोग कहां पर रहे थे, आग जला के बैठे रहना मत। ये सुन लो, ये सुन लो, वो आकर बोलता मैं 500 बार कोशिश किया, मैंने बाल्ब तैयार नहीं कर पाया। आज क्या करना पड़ता, 2 पत्थर को भीग के ना आग जला के यहाँ पर बैठे रहना पड़ता, खुले मैदान में बातचीत करना पड़ता, हम लोग एडवांस नहीं होता। वो अगर 700 बार फेल होने के बाद ऐसे कर बोलता 700 times मैं बाल्ब डिस्कवर नहीं कर सकता तो हम लोगों का रोशनी कभी नहीं मिलता। वो अगर 999 बार प्रैक्टिस करने के बाद बोलता और मेरे से नहीं होगा, तो हम लोगों का रोशनी नहीं मिलता। 1000 बार मैं जब किया तब बाल्ब जलना शुरू किया। मतलब ये 1000 time करने के लिए वो क्या था, बाल्ब तैयार करना है, डिटरमाइन संकल्प, इस पूरा जाति को रोशनी से भर देना है। रियलिस्टिकता मैं कर सकता हूं, इमोशन था लोगों के लिए कि मैं लोगों का सपना पूरा कर सकता हूं, लोग रोशनी में रहेगा, रात को भी पढ़ाई लिखाई करेगा, अचीव कर सकता है, मेजर लड़की सपना देखा था उन्होंने। इसीलिए 999 बार फेल होने के बावजूद भी 1000 times करने के बाद उन्होंने बाल्ब डिस्कवर किया।
टाइम का अकॉर्ड नहीं सही, लोग का टाइम टैलेंट डिवोर्स प्लेस करना, वो तो आत्मा करने के काम करता है। ये रिजेक्शन खाने के डर में हम लोग कामयाब नहीं बन पाते। दुनिया में ऐसे काम बताओ जहां पर बिना आदमी का होता है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये डर डर के जी के मेरा बिजनेस का कामयाबी नहीं हो पाया। फियर ऑफ रिजेक्शन। अरे बॉस राइट ब्रदर्स जब प्लेन डिस्कवर कर रहा था, प्लेन आसमान में उड़ने वाला, राइट ब्रदर्स ने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था? इंसान आसमान में उड़ेगा। राइट ब्रदर्स दोनों भाई मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू किया, नहीं प्लेन को उड़ाना है, प्लेन को उड़ाना है। और मोहल्ले के कुछ लोग बता रहे हैं, देख मान लो ये राइट ब्रदर्स में से एक ब्रदर, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोला राइट ब्रदर्स का पिताजी को भी बोलना शुरू किया, उसका परिवार वाले को सुनना शुरू किया कि ये बावला हो गया, पागल हो गया, ये बोल रहा है आसमान में आएगा, ये मुमकिन है? पागल गया इनका पूरा खानदान पागल है। जब प्लेन लेके आया मार्केट में, अभी आज कल सुबह आप लोगों के सामने राइट ब्रदर्स प्लेन उड़ाएंगे, चार पांच लोग बैठ गया। आपको क्या लगता है प्लेन क्या उड़ा पाएंगे राइट ब्रदर्स? मुझे लगता नहीं है राइट ब्रदर्स प्लेन उड़ा पाएंगे, ये बेवकूफी है। रिजेक्शन, रिजेक्शन सिर्फ मोहल्ले वाले नहीं, मीडिया वाले भी रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। जब प्लेन लेके आया वो तो पत्थर लगा के आ गया, ये उड़ेगा नहीं। जब चलना शुरू किया तब पब्लिक बोलना शुरू किया, चल रहा है ऐसे तो चलता ही है, उड़ेगा नहीं, रिजेक्शन। जब उड़ गया, उड़ तो गया, ये ऊपर ही चला जाएगा भगवान के पास, ये नीचे आएगा नहीं। जब नीचे आ गया तब भी पब्लिक पता है नीचे तो आ गया लेकिन रुकेगा नहीं। जब रुक भी गया तब भी पता रहा है रुक तो गया फिर दोबारा उड़ेगा नहीं। तो आप कामयाबी का टॉप ऑफ द टॉप जगह में भी पहुंच जाओ ना, लोग आपको रिजेक्शन देगा। आपको रिजेक्शन देगा, आप मर्सिडीज खरीद लो फिर भी बोलेगा डाल में कुछ काला है, रिजेक्शन। लोगों का काम ही है रिजेक्ट करना। आप लाखों अच्छा काम भी कर लो फिर भी बोलेगा क्या ठीक नहीं है, रिजेक्शन। दुनिया खत्म हो सकता है लेकिन एक चीज जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगा दोस्तों, वो क्या है जानते हो? मिट्टी। दुनिया का सबसे ज्यादा रिजेक्शन ये मिट्टी खाते हैं। धरती को घुरा दो परमाणु बम से, खत्म हो जाएगा, आग जल जाएगा, पानी आ जाएगा, धरती खत्म हो जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? सबसे ज्यादा रिजेक्शन ये मिट्टी खाया है। गुस्सा आता है तो लात किसके ऊपर मारते हैं? मिट्टी के ऊपर। खेती करना है तो हल किसके ऊपर चलाते हैं? मिट्टी के ऊपर। टॉयलेट भी अगर करना है तो किसके ऊपर? मिट्टी के ऊपर। थूक भी अगर फेंकना है किसके ऊपर फेंकते हैं? मिट्टी के ऊपर। चूमते बहुत कम लोग हैं लेकिन इसलिए धरती खत्म हो जाएगा लेकिन मिट्टी कभी भी खत्म नहीं होगा। ये डरते हैं लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, इसके लिए हम डरते हैं। अरे किशोर कुमार जी ने भी गाना गा के गया, लोगों का काम ही है कहना, आपका काम है करना। फियर ऑफ रिजेक्शन। 10 लोगों ने क्या मना कर दिया बिजनेस मेरे से नहीं होगा,
मेरा सपना नहीं होगा, मेरा अंकल ने बताया ऐसा काफी सारा चीज देखा, नहीं होगा, रिजेक्शन। हम टेंथ में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, टेंथ पे तो काफी सारे लोग फेल करते हैं, हम क्या फेल को देख के एग्जाम में बैठते हैं या पास करने वाला बंदे को देख के एग्जाम में बैठते हैं? किसको देख के बैठते हैं? जो पास करते हैं। फेल करने वाला बंदे को देख के हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते। दुनिया में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है दोस्तों जहां पर लोग फेल नहीं किया, हर ग्राउंड से लोग फेल किया, हर ग्राउंड से। हमको सक्सेस देखना है, इतने लोग कामयाब है, डरो मत, एक्सेप्ट करो, इनवाइट करो कि यस तुम मुझे रिजेक्ट करो, तुम मुझको जितना रिजेक्ट करोगे मैं उतना टॉप ऑफ द टॉप जगह में पहुंचूंगा, तुम जितना मुझे रिजेक्ट करोगे मैं उतना टॉप ऑफ द टॉप जगह में पहुंचूंगा, मेरा सपना को मैं पूरा करूंगा, ये रिजेक्शन खाने का ताकत लाओ। तो दैट इज व्हाई फियर ऑफ फेलियर, डरो मत, रिजेक्शन खाने का डरो मत, फेल होने का डरो मत, रिजेक्शन खाने का डरो मत, तभी जगह आप आपका 100% सब सपना पूरा कर सकते हो। ये बोलता है स्मार्ट वेलो, ये बोलता है इंटर सिस्टम, ये बोलते हैं बड़े बड़े लोग। लोग कुछ भी बोले मेरा सपना मैं पूरा करके रहूंगा, मैं देश विदेश घूमूंगा, मैं आजाद देश का आजाद पंछी हूं, कोई मुझे बोलेगा नहीं ए सुबह 6 बजे से उठ के काम पे आना है, कोई मुझे बोलेगा नहीं सुबह 3 बजे उठ के बोरिया लेके जाना है, मैं आजाद देश का आजाद पंछी हूं, जब भी मर्जी होगा मैं काम करूंगा, जब भी मर्जी होगा मैं काम नहीं करूंगा, फिर भी मर्जी लगाना। और ये एकमात्र पॉसिबल है नेटवर्किंग इंडस्ट्री स्मार्ट बिल से, स्मार्ट बिल से। एकमात्र पॉसिबल है, डरो मत, सपना देखो, सपना सच होता है अगर वो सपना सच्चे दिल से होगा तो, और वो ड्रीम जिसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। मैं क्लियर कर पाया? आप क्यों काम कर रहे हो ये आपको पता होना है, आपको करोड़पति बनना है पता होना है। अभी आप करोड़पति बनना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? इंसान, ना कभी भी सड़ेगा ना कभी भी खराब होगा। ऊपर वाला की कृपा से हम ऐसे देश में हैं, 125 करोड़ आबादी, इंसान ही इंसान। नीमच का बस स्टैंड पे आंख बंद करके बोलूंगा ऐसे घूमो, घूम नहीं पाओगे, ऐसे फटाफट फटाफट 8-10 लोगों का हाथ लग जाएगा। इतना आदमी शादी होगा तो 4,000 लोग खाने के लिए आ जाता है, लीज बिल्डिंग बताता है तो 50 के ऊपर जाता नहीं है। आशीर्वाद देने के लिए हम शादी में इनवाइट किस लिए क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए नहीं, आप आना आपका पूरा परिवार को लेकर आना, मेरा बेटी का शादी है, आप थोड़ा आशीर्वाद देके जाना, आपका आशीर्वाद से मेरा बेटी सुखी रहेंगे, इसलिए जहां से लोग आ जाता है। और मैं एडुकेशन को लेके काम कर रहा हूं, ऐसे कोई घर नहीं है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा दादी सब, मम्मी पापा दादी सिस्टर है, भाई है और बड़े भाई और पिताजी क्या करते हैं? का काम करते हैं, ठेकेदार। खेती है घर में? मम्मी क्या? मम्मी हाउस वाइफ। दादी मतलब घर में काम करते हैं? मैं काम करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या है, एडुकेशन। अंकित मोहित जैसे यंग लड़का को शिक्षा का जरूरत है या नहीं? उसके घर में सिस्टर है, उसके घर में सिस्टर लिपस्टिक लगाते है कि नहीं? उसका दादी है, मम्मी है, मम्मी का बॉडी 100% भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? और दादी का ब्लड प्रेशर बस मतलब हेल्थ है या नहीं? तुम्हारा भैया क्या करते हैं? काम करता है। क्या काम करता है? मोबाइल की शॉप पे। कितना कमाता है? 5,000। 5,000 रुपए में 50,000 रुपया दिखाया, देर करो, 5,000 करके कमाएगा तो पूरी जिंदगी की इनकम 15 लाख। 5,000 × 12 महीने में 7,000, 30 साल का इनकम 1,00,000, 18 लाख रुपया। 18 लाख रुपये में क्या होगा बोलो तो? होगा कुछ? होगा कुछ? तो उसका भाई को, उनका भाई को क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक
एक्स्ट्रा इनकम इनकम का जरूरत है। ये सुनो, तू उसका पूरे परिवार में मेरे पास एक कस्टमर नहीं अंकित मोहिते, उसका पूरा परिवार ही मेरा कस्टमर। क्या बात बोल रहा हूं समझ में? उसका पूरा परिवार मेरा कस्टमर है, तो उन लोगों का नाम मैं लीज बिल्डिंग में क्यों नहीं लिखूंगा? मेरा लीज बिल्डिंग जितना बड़ा होगा, मैं बड़ा बिजनेस करने के लिए आया हूं। अगर आप सोचते हो एक चामक से एक मोबाइल फोन लूंगा तो लीज बाय 20 होने से भी चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, मोबाइल फोन खरीदूंगा, बारी बनाऊंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा, बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, तो आपका लीज 500 होना चाहिए। जिसका लिस्ट जितना बड़ा है उसका बिजनेस उतना बड़ा, जिसका लिस्ट जितना सा है उसका बिजनेस उतना सही। मैं पॉइंट क्लियर कर पाया? हाँ, लिस्ट लिखो, किसको प्रिजर्व मत करो। कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो सोचने में मेरे पास कोच नहीं है, बिकॉज इस सिस्टम पे 3 पास लड़का भी करोड़पति बना और 59 एज के इंसान भी करोड़पति बना, तो कौन करोड़पति बनेगा वो डिपेंड करता है उसके जलन के ऊपर। मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, मैं डिसीजन लेने वाला कौन होता? इज इट क्लियर? लीस्ट बिल्डिंग बड़ा होना चाहिए। आप जितना सारा कामयाब इंसान का देख रहे हो ना, उसका लीस्ट, वो बोलता था शादी में 3000 लोग खाने के लिए आ सकता है, तो मेरा लीस्ट 3000 है, लीस्ट 200 नहीं हो सकता। क्लियर कर पाया? यस सर। अभी मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना, क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वालिफाई एंड इनवाइट, क्वालिफाई एंड इनवाइट। किस चीज की इनवाइट? इनवाइट कैसे करना है, क्वालिफाई कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, आमंत्रण करना है। इनवाइट मतलब क्या है? कोई भी चीज को तुम व्हाट व्हाई हाउ में फेंक दो, व्हाट व्हाई हाउ एंड अचीवमेंट। इनवाइट क्या है? आमंत्रण करना। इनवाइट क्यों करेंगे आप? इनवाइट क्यों करोगे? ताकि वो इंसान हमसे जुड़े और बिजनेस में हमारा पार्टनर बने और आगे अच्छे से बिजनेस करे। अच्छा, और कोई बोलेगा? मैडम आप ही आप आ जाओ थोड़ा। आ जाओ, आ जाओ। आप इन्वाइट क्यों करोगे? मैं इन्वाइट इसलिए करूंगी क्योंकि कहीं पे भी देखा है कि जैसे हमारे फैमिली वाले, तो फैमिली में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ करते ही, जैसे कि किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि खुजली हो रही है या फिर बाल झड़ रहे हैं।